हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इफ़ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट रिमेन स्टेशनरी एंड इफ इट इज यूनिफॉर्म मोशन इट कीप्स मूविंग विद सेम वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन एंड अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। कहने का मतलब है कि एक बॉडी जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगी, और एक बॉडी जो यूनिफॉर्म मोशन में है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से वो मोशन में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। ठीक है, जब तक उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज नहीं होगी। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट डील विद द इनर्शिया ऑफ द बॉडी एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द लॉ डिफाइन फोर्स। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कंसीडर अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल। एक बुक रखी हुई है टेबल पे। इट इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट इट रिमेन स्टेशनरी। इनर्शिया की प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया क्या कहती है कि ये रेस्ट पर रहेगी जब तक हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, और जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बुक जो है ये मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अ फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी डोर। वी कैन मूव अ स्टेशनरी कार्ड बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। वी कैन स्टॉप अ मूविंग बॉल बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑन इट। सो थस वी सी दैट अ फोर्स आइदर चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी और ट्राइज टू चेंज इट। एक फोर्स या तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर देता है या फिर ट्राइज टू चेंज इट।